भैया एक सखी अपने पति से कहने लगी महाराज परेशान करे समझाए समझाए लेकिन जो करे बात यही है भगवान कन्हैया वो लेकर के बड़े प्रसन्न हुए। मुझे मालूम है मेरी भाभी ने मेरे लिए भेजे हैं और चाबने लगे माताएं बहने भाई बंधु ध्यान देंगे थोड़ी देर के लिए चावल कोई भी नहीं फेंकेगा क्योंकि महाराज पहले 10,000, 20,000, 50,000 वर्ष तक तपस्या करते थे और पानी भी नहीं पीते थे और जीवित रहते थे। क्यों? क्योंकि हड्डियों में प्राण थे और जब कलयुग में प्राण इंसान के अन्न में वास करते हैं और ना तुम 10-20 दिन भूखे प्यासे रह के देखो मालूम है जाए तो कोई भी माताएं बहने अन्न को फेंकेंगी नहीं। और विचार करो भगवान कन्हैया त्रिलोकी नाथ उन्होंने तो सम्मान किया था आदर किया था वो चावल गरीब के चावे थे खाए थे फेंके नहीं थे महाराज। हाँ नहीं कोई भूल से धोखे से फेंकन लगे है? 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 हाँ भूल नहीं कर देना क्योंकि ये अन्न है ये फेंका नहीं जाता भगवान को खिलाया जाता है। तो ली है एक मुट्ठी श्री कृष्ण के मित्र मिलने सुधा
काउंटर ले आती तो इन भंडाराम शामिल सबू है जाते तो फेंकता ही को रही हूँ। देखो श्री कृष्ण के देख करके बड़ा दुख हुआ है। अरे जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, सुदामा उतना रोया रोया कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। देवी रुक्मिणी एक आवाज सुनो, क्या तुम्हें ना मालूम है अरे देखी दशा जो मित्र की आंसू निकली पड़े, देखी दशा जो
सुन रही हो? चली गई हाँ, लंबो घूंघट मार लो तुम्हें ना मालूम। और पिंपड़ी का पैरा दबाई दे, और पिंपड़ी का पैरा दबाई दे, और हाल देख लीजा भैया को, भैया को। अरे आजू बहे कन्हैया दे, आजू बहे कन्हैया दे। भगवान कन्हैया धीरे धीरे पैर दबाने लगे हैं और पैर दबाते दबाते महाराज हाथ पहुंचा कहां? बगल के पास में, और बड़ी टाइट पोटली दबाई है। कहने लगे अरे भैया लाओ जाओ हाथ को दबा दे, जाको काय को छिपाए रहे हो? भाई को दबा ले जाको, मैं थोड़ा नहीं करूं।